नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे राजस्थानी मगज चूरमा। इसे कसार भी कहते हैं। इसे मांगलिक अवसरों पर या नाश्ते के लिए बनाया जाता है। आप कहीं लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो इसे बनाकर साथ ले जाइए। इसकी सेल्फ लाइफ बहुत लंबी है। तो शुरू करते हैं बनाना। ये 1 कप गेहूँ का आटा और 1 टेबलस्पून घी अच्छे तरीके से मिलाते हैं। इसे और अब डालेंगे 2 टेबलस्पून दूध। दूध गर्म करके ठंडा कर लीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध होना चाहिए। दूध अच्छे तरीके से मिला लिया और अब हम इसे इकट्ठा करके इस तरीके से दबा कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 10-15 मिनट के लिए। इसे 15 मिनट रख कर ले लिया है हमने, तो जो आटा है वो थोड़ा सा फूल गया है। अब इसे हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा रगड़ लेंगे। अब छानते हैं इसको। तो ये थोड़े से बड़े छेद वाली छलनी ली है। ये जो मोटा मोटा ऊपर रह गया इस तरीके से दबाकर इसे निकाल देंगे। बचा हुआ आटा भी ले लेंगे। ये देखिए, पूरा आटा हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। मोटे मोटे ग्रेन्स हैं इसके और बहुत ही सॉफ्ट आटा बन गया है। अब इस आटे को भूनेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे। इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है। इसमें 1 टेबलस्पून घी और डाल लेते हैं। अच्छे से भुन भी जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा। घी आप अपनी पसंद से थोड़ा सा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और बस इसे लगातार चलाते हुए अब तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है। लगातार चलाते हुए भून रहे हैं इसे और फ्लेम लो मीडियम है। तेज़ फ्लेम पर नहीं भूनना है इसे, बस थोड़ी देर और भूनते हैं। आटे का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया है और इससे अच्छी सी खुशबू निकल रही है। ये भुन चुका है, फ्लेम बंद कर देते हैं। अब इसे बोल में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये थोड़ा सा घी बच गया है कप में, उसे इसी कढ़ाई में डाल देते हैं। और अब इसमें ड्राई फ्रूट डालने हैं, उन्हें हम हल्का सा सेक लेंगे। 2-3 टेबलस्पून बादाम फ्लेक्स और ये 2-3 टेबलस्पून कटे हुए काजू। इन्हें भी धीमी आग पर भूनना है और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। ड्राई फ्रूट को भूनकर डालने से इनका टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है। आप चाहें तो इन्हें बिना भुने भी डाल सकते हैं। ये हल्के से भून गए हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 कप ग्रेटेड नारियल। आप इसे पतला पतला काट के भी ले सकते हैं। हल्का सा भून लेंगे नारियल के साथ। हल्का सा कलर चेंज हो गया है इनका और अच्छी खुशबू आ रही है। भून चुके हैं, बस 1 मिनट लगा है इन्हें भुनने में। इन्हें इसी में डाल देते। और ये 2 टेबलस्पून किशमिश, इन्हें मैं बिना भूने डाल रही हूँ। अगर आपको भूनकर पसंद है तो ड्राई फ्रूट के साथ में इन्हें भी भून लीजिए। ये 5 छोटे इलायची, इन्हें ददरा कूट कर ले लिया है। इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इलायची पाउडर की जगह आप ताज़ा इलायची कूट कर डालें, उससे ज़्यादा टेस्ट और ज़्यादा फ्लेवर आता है। मिला देंगे इन्हें। ये ठंडा हो गया, हम इसे हाथों से छू पा रहे हैं। अब इसमें डालेंगे 3/4 कप बूरा। आप अपनी पसंद के अनुसार बूरा थोड़ा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन 3/4 कप बूरा मुझे एकदम इसमें परफेक्ट लगा है। और बूरे की जगह आप चीनी को पीस कर पाउडर बना लें, छलनी से छान कर डाल लें, लेकिन उसका टेस्ट अलग होता है। तो कोशिश यही करें कि आप इसमें बूरा डालें। अगर आपके पास नहीं मिलता तो आप इस बूरे को घर में भी बना सकते हैं। आप इसके बनाने का तरीका मेरे चैनल पर देख सकते हैं। राजस्थानी मगज चूरमा बनकर तैयार है। आप इसे ठंडा होने दीजिए, 1-2 घंटे के लिए हवा में छोड़ दीजिए। इसके बाद आप किसी भी कंटेनर में भर कर रख लीजिए। आप इसे 2 महीने तक रख करके खा सकते हैं। और इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन भूनते समय ध्यान रखें फ्लेम लो मीडियम हो। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए
ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।